والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال عليه الصلاه والسلام جناب صدر حكم صاحبان اور معزز سامعین کرام आज के इस मुकाबलाती प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है अजमत कुरान। समीने बातमकीन, कुरान करीम खुदा ताला का वो वाहिद और मुकद्दस कलाम है जो हक्कानियत इस्लाम की वाज़ह दलील है, जो खुदा ताला की वहदानियत के फैजान को आम करने का जरिया है, जो फारिग़े बैनल हक़ वल बातिल है, ज़ुल्मत व जहालत कुफ्र व शिर्क और तमर्रुद व सरकशी से दूर रखने का आला है, खैर व शर हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज के दरमियान इम्तियाज करने का एक वास्ते बेमिसाल है। समीन बावकार, अगर ये कुरान ना होता तो हम और आप इंसान ना होते, जानवरों से बदतर हमारी हालतें होती। अगर ये कुरान ना होता तो निजामे कायनात बरकरार नहीं रहता, आदम और खलील अलैहिस्सलाम भी ना होते, अदल व इंसाफ और सदाकत और सच्चाई का नाम और निशान भी ना होता, इस्लाम और मुत्तबीन इस्लाम भी ना होते, ये शम्स व कमर शजर व हजर हत्ता की कायनात की कोई चीज वजूद पजीर ना होती। नौजवानाने इस्लाम, यही वो कुरान है जिसने दिल दिल में अदल व इंसाफ कायम करके जुल्म व ज़ियादती को जड़ से उखाड़ फेंका। यही वो कुरान है जिसने कुफ्र व शिर्क के अंधियारों में इल्म व अमल का चराग रोशन करके पूरी इंसानियत को जिंदगी बसर करने का तरीका अता किया। यही वो कुरान है जिसने मगरबी तहजीब व तमद्दुन का कलेजा चाक करके इस्लामी तहजीब से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया। यही वो कुरान है जिसने गूंगों को जुबान और बेजुबानों को फसाहत और बलागत का इमाम बना दिया, बदामालों को ज़ोहद व तक़्वा का पैकर अतम बना दिया। यही वो कुरान है जिसने अब्दुल्लाह बिन कुहाफा को सिद्दीक अकबर बना दिया। यही वो कुरान है जिसने उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम बना दिया। यही वो कुरान है जिसने उस्मान बिन अफ़ान को उस्मान गनी और ज़ुन्नूरैन बना दिया। यही वो कुरान है जिसने अली बिन अबी तालिब को शेरे खुदा अली मुर्तज़ा बना दिया। यही वो कुरान है जिसने हज़रत आयशा को सिद्दीका के नाम से याद किया। यही वो कुरान है जिसने हज़रत फातिमा को सय्यदतुन निसा यानी जन्नत के लक़ब से सरफ़राज़ फरमाया। यही वो कुरान है जिसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सय्यदु शुक्रा के लक़ब से नवाजा। अरे यही वो कुरान है जिसने नौमान बिन साबित को इमाम आज़म की शोहरत अता की और मोहम्मद बिन इदरीस को इमाम शाफ़ई के लक़ब से मुरक्कब किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यूं तो दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी किताब के पढ़ने पर सवाब का वादा नहीं फरमाया। एक ही ऐसी किताब है, एक ही ऐसा कलाम है जिसके पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब का वादा फरमाता है, और वो कुरान करीम है जिसके एक हर्फ अदा करने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। अरे ये तो पढ़ने वालों की बात है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तो कुरान नहीं पढ़ता है तो कुरान छूता है, तुझे तब भी सवाब है। अरे तू ये भी छोड़ दे, जो बच्चा कुरान करीम पढ़ता है तो उस बच्चे को सीने से लगाता है, उस बच्चे से मोहब्बत करता है, तुझे तब भी सवाब है। अरे तू ये भी छोड़ दे, जिन इदारों में कुरान करीम की तालीम दी जाती है पूरे इदारों से मोहब्बत करता है, माली ताउन करता है, रिहल और प्लाट वगैरह बना कर देता है, तुझे तब भी सवाब है। अलगर्द कुरान के हर हर हर्फ पर सवाब ही सवाब है। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।